श्री महाकाल दोस्तों, आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को आप देख रहे हैं घोसला पशु मंडी। घोसला पशु मंडी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रत्येक सोमवार के दिन लगती है। दोस्तों, उज्जैन से इसकी दूरी है करीब 30 किलोमीटर के आसपास में और इंदौर से करीब 80 किलोमीटर के नजदीक पड़ती है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करिए, और पहली बार आप वीडियो देखने आए हो हमारे चैनल के माध्यम से तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। बाकी आपने कल धुंधड़का मंडी की वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर विजिट कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक इस वाली भैंस को देखिए, आपको आज की घोसला मंडी में पहले आपको कुछ गाभिन बाखड़ी जो भैंसे होती है यहाँ घोसला मंडी की, काफी बढ़िया बढ़िया भैंसे आती है, उनको बताएंगे। उसके बाद आगे वीडियो में कुछ तानी भैंस बताएंगे। तो भैया क्या हालचाल है, कहाँ से आए हो? अच्छा, तो भैया क्या कर रहे हो, कीमत भैंस की? भैंस हमने खरीदी है। आपने खरीदी है? हाँ। अच्छा, देख सकते हैं भैंस खरीदी है। गाबन है भैया? गाबन 6 महीने की लगे। 6 महीने लगे ले। तो किस रेंज में खरीदी भैया? भैया 50,000 में खरीदी हमने। 50,000, देखिए 50,000 की कीमत में भैया ने ये वाली जो अभी आप भैंस देख रहे हैं ये परचेस की है। तो भैया दूध तो बंद हो गया होगा इसका, और कौन से ब्याह की है भैया? पहले में ही है, दूसरे में अब जानेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद पाटीदार। विनोद जी पाटीदार। अच्छा ठीक है भैया, पहाड़ी को देखिए, बहुत ही शानदार है। देखिए आप, बहुत ही चमक दमक। तो जानेंगे इसके अभी ग्राहक लग रहे हैं, काफी बढ़िया भैंस जो अभी आप देख रहे हैं, और गाबन है तो जानेंगे हम कितनी क्या प्रेग्नेंट है। भैया गाबन है ये? कितने क्या है? 3 महीने। देखिए आप, 3 महीने के करीब गाबन है, दूसरे में या तीसरे में हाथ में हो सकती है, दूसरे में हो सकती है लगभग। तो बहुत बढ़िया, जय श्री महाकाल। कीमत के बारे में हम अभी जानेंगे, तो इसके अभी यहीं पर ग्राहक लग रहे हैं। तो कद काठी अच्छी है पाड़ी की। भैया क्या लगा रहे हो कीमत? हाँ, और दूध अभी कितना क्या निकाल रही है? दूध कितना होगा एक अनुमानित बताइए। इसके पास 3-3.5-4 के आसपास, और 75,000 दोस्तों इसकी डिमांड रखी है। यह सिर्फ एक कीमत है जो भैया की मांग है। यदि भैंस का सौदा होता है तो मेरे अनुमान से भैंस बहुत ही बढ़िया शानदार है, 65,000 से भी ऊपर के चांस है ज्यादातर जानने के, क्योंकि मैंने जो इसकी कीमत बताई है काफी कम से कम बताई है। यही लगता है कि 65,000 से ऊपर ही सौदा होगा इसका, 70 भी हो सकता है। देखते हैं, जानते हैं आगे दूसरी भैंस को। क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा, भैंस लाए थे बेचने? अच्छा, कितने में बिकी? 31,000 में। खाली थी? अच्छा, दूध दे रही थी क्या? बंद हो गया। अच्छा, कहाँ से आए हो? डोंगरखेड़ा से। ठीक है भैया, एक इस वाली भैंस को देखिए, काफी जो घोसला मंडी की भैंसे पहुंचती है बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छी क्वालिटी वाली भैंसे। हम आपको जो पहले स्टार्टिंग के वीडियो होता है उसमें बताते हैं। तो भैया प्रेग्नेंट है ये? अच्छा, कितने क्या है? 4 बच्चा भी है इसके नीचे, देख सकते हैं 4 महीने के आसपास में प्रेग्नेंट है। और ये वाला बच्चा है भैया? कीमत बताइए। कीमत बता दी? 85,000। दूध कितना क्या निकाल दी भैया अभी? 3-3 लीटर। अच्छा, 3-3 किलो के आसपास में दूध है और 85,000 इसकी कीमत रखी है। देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया कद काठी अच्छी है भैंस की। कहाँ से आए हो? कतोत से आए हो आप? अच्छा, और भैंस कौन से जंगल की है? अच्छा ठीक है भैया, मान लीजिए। तो घोसला पशु मंडी में जो आप देख रहे हैं इस प्रकार की काफी बढ़िया जो बाखड़ी गाबन भैंसे बड़ी बड़ी पहुंचती है,
एक इसको भी देख सकते हैं आप, जो ये भी काफ़ी बढ़िया और जो अच्छी अच्छी भैंसें होती हैं घोसला पशु मंडी में, उनको काफ़ी देख सकते हैं आप, जैसे रिबिन वगैरह बांध कर लाया जाता है, सजाया जाता है उनको, तो इसकी भी कदकाठी अच्छी है भैंस की। कीमत के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे इनसे। तो भैया ग्याबन है, ग्याबन है। कितने महीने? साढ़े चार महीने। साढ़े चार महीने, अच्छा। तो कीमत क्या कर रहे हो आप इसकी? 95,000 रुपये। देखिए 95,000 रुपये इसकी कीमत रखी हो, और साढ़े चार महीने के करीब ग्याबन है। और दूध कितना होगा इसका? आखिरी क्या इच्छा है आपकी? 85,000 देखिए, यही कुछ 85,000 इसकी कीमत बताई जा रही है। पर यदि जो मेरे अनुमान की बात करूं तो 70,000 से 75,000 के आसपास में सेल हो जाएगी ये। इस वाली भैंस को देखिए, जो रामेश्वर जी हैं उनकी भैंस देख रहे हैं आप घोसला की मंडी से। तो इसके बारे में हम अभी जानकारी जुटाते हैं। और एक किसी भैंस का शायद, या एक यहाँ पे गाय भी उपलब्ध है उसका, या भैंस का किसी का एक का सौदा भी हो चुका है इनकी, तो उनकी भी जानकारी लेंगे हम, जुटाएंगे। एक इस वाली भैंस को देखिए, अभी जो ताजी ब्याई है देख सकते हैं आप, अल्टर क्वालिटी देखिए, बहुत ही शानदार। अब हम जो तानी भैंस है घोसला मंडी की, यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बाकी जानते हैं हम किस रेंज तक मंडी में जो भैंस के मालिक है उनकी इच्छा है। आपकी है भैया? क्या, कहाँ से आए हो? घोसला की। क्या कर रहे हो? कीमत 1,65,000। और दूध कितना होगा इसका? 10-10 किलो। 10-10 किलो दूध बताया गया है, पर मेरे अनुमान की बात करें तो 6 से 6.5 किलो के आसपास की भैंस है। और ये भैंस काफ़ी कीमत बहुत ज़्यादा बताई है इसकी। तो कितने क्या लग रहे हैं भैया मंडी में आज इसके? 1,30,000 लगे अभी। 1,30,000 लगे, अच्छा। 1,50,000 रुपए इसकी फाइनल कीमत बताई गई है, और बताया जा रहा है ऐसा कि 1,30,000 इसके लग चुके हैं। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, पर ये वाली कीमत भी नहीं होगी। देखते हैं आपकी है भैया? जो सुनील भाई है उनसे जानते हैं जो इसकी असल कीमत है इधर, जो क्योंकि जो अभी हमने इनसे बात की वो तो काफी ज्यादा कीमत बता रहे हैं इसकी, 1,50,000 रुपए बता रहे हैं, इतने की तो भैंस नहीं है शायद। सुनील भाई हमें सही बता, यही जो बताया है जो सुनील भाई है उन्होंने 1,30,000 ही बताया है कि इतने इसके लग चुके हैं मंडी में। और मेरे अनुमान से 6.5 से 7 किलो के आसपास की भैंस हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध की बात करें हम तो। एक इस वाली भैंस को देखिए, अब इस वाली की यदि कीमत की बात करें तो यही कुछ 75,000 के आसपास की कीमत रखती है भैंस। अब जानते हैं इनसे ये क्या डिमांड करते हैं इसकी। कदकाठी ठीक है, थोड़ी दुबली है, बाकी ठीक है। यदि शरीर थोड़ा अच्छा और बना होता तो और इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती। ये बच्चा है, तो भैया क्या लगा रहे हो कीमत? इस साइड आइए। हाँ, क्या कर रहे हो कीमत भैंस की? कई मांगी रही का? 90,000 रुपए। और दूध कितना होगा इसका? 5 किलो। कहाँ से आए हो? सगवाली। सगवाली मैतपुर साइड, अच्छा। आखिरी क्या इच्छा है आपकी?
आपकी एक लगा दी, कितने क्या लगे आज मंडी में इसके? इसका लग गया 75। 75 हाँ यही है मेरी भी। ठीक है भैया, देख सकते हैं 75,000 तक इसकी पशु मंडी में लग चुके हैं और 90,000 भैया इसकी कीमत कर रहे हैं। ये वाला बच्चा है इसका, एक इस वाली पाड़ी को देखिए, तो इस वाली को देखिए, जानते हैं इसके बारे में करीब, बात करें तो दूसरे ब्यात में होगी, पर कदकाठी मीडिया में काफी बढ़िया अच्छी है। तो भैया कहाँ से आए हो? घोड़ाबाग। अच्छा, घोड़ाबाग से। क्या कर रहे हो? भैंस की कीमत 75,000। देखिए 75,000 रुपए इसकी डिमांड रखी है। तो ये इसी का है, ये इसी का है बच्चा? अच्छा, अभी दूध कितना दे रही है? 5-5 किलो। और 75,000 दोस्तों इसकी कीमत रखी गई है, जो भैंस मालिक है उनके द्वारा डिमांड रखी गई है। तो यदि मेरा अनुमान की बात करें तो करीब 55 के आसपास की भैंस है। कौन सा दूसरा में? दूसरा ब्यात? हाँ ये दूसरा में। अच्छा ठीक है सर, आखिरी क्या इच्छा है आपकी, कितने तक हो जाएगी अनुमान? 68। अच्छा ठीक है सर, इस वाली कटड़ी को देखिए, अभी जो हमने इसका पहले भी कुछ अभी दांत नहीं किए इसने, भैया बता रहे हैं, और इससे पहले भी इसका एक बार हमने वीडियो बना लिया है, पर कुछ स्टोरेज के कारण शायद वो मोबाइल में सेव नहीं हो पाया। तो भैया कितना दूध दे रही है अभी? 1.5-4 लीटर दे रही है, 3.5 दे रही है। अच्छा 3.5 से 4.5 किलो के बीच में दूध निकाल रही है, अलग अलग दोनों टाइम का। तो क्या कर रहे हो भैया, कीमत इसकी? 85,000। और फाइनल क्या इच्छा है आपकी? फाइनल 75,000 में छोड़ देंगे। अच्छा, कितने महीने का है इसका बच्चा? बच्ची बच्चा 4 महीने का है। 4 महीने का। कहाँ से आए हो आप? ढाबला अंजना से। ढाबला अंजना से पहुँचे भैया, देख लीजिए आप, क्या नाम है भैया आपका? कुमार सिंह जी सोलंकी साहब की भैंस देख रहे हैं, और पहले ब्यात की है, देख लीजिए आप, अभी दो दांत है। तो 75,000 इसकी फाइनल कीमत रखी है, देख लीजिए और आंचल देखिए आप एक बार। तो ठीक है भैया, बांध दीजिए, बांध दीजिए। इस प्रकार की भैंसें आती है मंडियों में, घोसला की मंडी में, जो बाकड़ी भैंसें तो काफ़ी फेमस मंडी है, थोड़ी कीमत ज़्यादा होती है बाकड़ी भैंसों की, लेकिन भैंसें काफ़ी अच्छी मिलती है। ये बच्चा है इसका, एक इसको देखिए, जो पहले के हमने आज की वीडियो में जो आपको बाकड़ी गाबन भैंसें बताइए, उसके बाद हम दानी भैंस बता रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले सप्ताह से हम आपको घोसला मंडी की जो गाय है उनकी भी वीडियो बताएं। तो अभी क्या है कि अभी थोड़े मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूं, तो आपके लिए फिर भी समय निकाल कर मैं जो कुछ हमेशा की तरह एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, बाकी ज़्यादा टाइम मैं भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्या हाल चाल है भाऊ जी? बढ़िया। तो क्या कर रहे हो, इसकी कीमत? 1,20,000। अच्छा, कितने दिनों की है जनी हुई? 7 दिन। 7 दिन। और दूध वगैरह कितना है इसका? 6 किलो टाइम को है। अच्छा, एक टाइम को 6 किलो दूध निकाल रही है दोस्तों, देखिए आप अटर क्वालिटी देख ही ली होगी, लेकिन सामने से फिर अभी थोड़ी धूप पड़ रही है तो क्लियर शायद नहीं दिख रही होगी आपको। तो ये कौन से ब्यात में जनी है? अच्छा, कौन सा वेत में जनी अभी? तीसरा में। और आखिरी का इच्छा है आपको? आखिरी इच्छा है 1,11,000। 1,11,000। ठीक है सर, देख लीजिए। हाँ, ये 1,11,000 इसकी फाइनल डिमांड बताई गई है, देख लीजिए आप। एक वो वाली भी अभी सेल हुई है, उसको भी हम आपको बताते हैं। कई हालचाल है? बढ़िया है। कई नाम है? क्या थी आया? घोड़ाबाग। घोड़ाबाग।
या भैंस अपनी है। हाँ। कई मांगी रहेगा? 90,000 कह दे। 90,000 देखिए, 90,000 डिमांड रखिए। हालांकि इतने में सेल नहीं होगी, लेकिन कीमत है उनकी। चाहे बच्चों है, 3 दिन का बच्चा है। कितनों को दूध दे देगा? 10 किलो 10 किलो 10 किलो दोनों टाइम का होके दूध निकाल देगी। तो आखिरी का इच्छा है बाबू जी आपकी? 85,000। ठीक है साहब, 85,000 दोस्तों इसकी फाइनल डिमांड रखिए। देख लीजिए, एक कीमत है जो सभी की होती है कि इतने में अपना पशु सेल होना चाहिए, बाकी होता नहीं है। और कुछ घर फिर जो बचता है वो घर पर भी ले जाते हैं यदि सेल नहीं होता है। तो ये भैंसे ये शायद सेल हो चुकी है या बिकी है? देखिए ये वाला बच्चा है इसका, ये आपकी है? हाँ। क्या मांग रहे हो इसकी? 80,000 मांग रहे। 80,000 इसका कितना होगा दूध भैया? 6 किलो दूध है। अच्छा, 6 किलो दूध है और 80,000 रुपए इसकी कीमत रखी है। देख लीजिए। अच्छा, कहाँ की है भैंस? अच्छा, ठीक है भैया। आखिरी क्या इच्छा है? आखिरी ये 75,000 भाई। 75,000 इसकी फाइनल कीमत बताई गई। लेकिन जो बात करें हम भैंस की, तो सेल रेंज में नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा है भैंस के अनुसार। एक ये वाली भैंस से काफ़ी बढ़िया है, कदकाठी अच्छी है। एक ये है, दोनों हम दोनों की आपको आगे इसी वीडियो में जानकारी देंगे। तो भैया आपकी है? अच्छा, क्या कर रहे हो कीमत उस वाली की? 1,60,000 दोस्तों इसकी डिमांड रखी है। देख लीजिए आप, सिंह देख सकते हैं आप। और अभी घोंसला मंडी में समय की बात करें तो करीब करीब, हाँ चला था, करीब 11 बजने वाले हैं। लायो ने वो टूटी हो? अरे देखिए आप दोस्तों, 1,60,000 इसकी कीमत रखी है। दूध कितना होगा भैया इसमें? अच्छा, 7 से 8 किलो इसका एक अनुमानित दूध बताया जा रहा है, 7 किलो टाइम का। अच्छा, कौन से ब्यात की है? कौन सा बेत में जनी है? तो देखते हैं आखिरी क्या इच्छा है भैया। ये वाली भी देखिए, इसको भी हमने आपको बताया था, काफी बढ़िया वैसे है दोनों, शानदार सिंह रिंग सिंह इसके देखिए आप। यदि दोनों भैंस की दोस्तों बात करो तो 6 किलो निकाल देगी, क्योंकि भैंस भी है ऐसी। तो इसका क्या कर रहे हो इसकी कीमत? 1,20,000। देखिए 1,20,000 इसकी डिमांड रखी है। बाकी यदि सौदा जो भी होता है फाइनल तो नहीं होती है कीमत। तो इस वाली का ये बच्चा है, देख लीजिए। तीनों की जो फाइनल लेने देने वाली होगी कीमत, या जो हमारा अनुमान है वो आपको आगे बताएंगे। ये वाले भी बढ़िया है, उन दोनों जो अभी भैंस आपने इससे पहले देखी उससे यदि हम तुलना करें तो इससे थोड़ी कदकाठी छोटी है भैंस की। इस वाली की क्या कर रहे हो? 1,22,000। इसके जो सेकेंड नंबर पर आपने इनकी भैंस देखी थी उससे इसके रिंग सिंग अच्छे हैं, कदकाठी इसकी मीडियम है। और ये करीब करीब दूसरे ब्यात में होगी शायद, या तीसरे में भी हो सकती है। इसका कितना होगा दूध? 6 लीटर 6 किलो
एक ही आखिरी हुई जाएगा अनुमान एक लाख दस है। एक लाख दस हजार इसकी फाइनल कीमत बताई गई है और उनकी क्या हो जाएगी उन दोनों की फाइनल बता दीजिए अनुमान इसका और उसका दोनों का। इसका एक पंद्रह एक लाख पंद्रह हजार और उस वाली आगे वाली इक्कीस एक लाख तीस। ठीक है सर एक लाख पंद्रह हजार इसकी फाइनल बताई गई है दोस्तों और इस वाली की एक लाख तीस हजार। तो यही कुछ जो तीनों में से उसमें करीब करीब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा पंद्रह पंद्रह हज़ार कुछ में दस हज़ार बारह हज़ार से लेकर पंद्रह हज़ार बीस हज़ार पच्चीस हज़ार के लगभग यदि सौदा होता है तो इतनी रेट और मेरा अनुमान है कि कम हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल देपालपुर मंडी से वीडियो देखिए क्योंकि जो कल है सुबह हम कोशिश करेंगे कि करीब 9 बजे के लगभग हम मंडी में पहुँच जाएँ और जल्दी आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों आपको भैंस खरीदना हो तो सचिन पटेल हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं जुड़ सकते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर 7489691012 पर। देपालपुर से गाय भैंस खरीदने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो मंडी में पशु की खरीदारी अपने अनुभव के साथ में कीजिए क्योंकि आपका अनुभव सबसे पहले है सर्वश्रेष्ठ है। पशु मंडी में जो आप भैंस या गाय जो भी खरीदने जाते हो वहाँ पर उसकी कीमत है काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है और जो दूध बताया जाता है करीब 8 किलो यदि दूध बताया गया है तो 5 किलो दूध निकालेगी वो, ये आप मान के चलिए क्योंकि यही हकीकत होती है। थोड़े अपने पशु की जो भी है दूध की है या कीमत है हमेशा हर कोई आदमी बड़ा कर के ही बताता है। तो आप अपने अनुभव के साथ में भैंस या गाय की खरीदारी करें।